आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 180 रन से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। 339 रनों के जवाब में भारतीय टीम केवल 158 रन ही बना सकी। भारतीय कप्तान विराट कोहली की कप्तानी सवालों के घेरे में रही। बैटिंग में भी कोहली कुछ खास नहीं कर पाए और फैंस को अच्छा खासा निराश किया। कोहली को आमिर ने 5 रन के स्कोर पर चलता किया। इस तरह से आमिर ने विराट को जो चेतावनी दी थी उसे सही साबित कर दिखाया। दरअसल शनिवार को पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने विराट कोहली की कमजोरियों की ओर इशारा करते हुए कहा था कि उनकी टीम विराट कोहली को जल्दी आउट करके टीम इंडिया पर पकड़ बना लेगी। जाहिर है उनका इशारा विराट की ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंदों पर कमजोरी की ओर थी। साथ ही उनका मानना है कि विराट के जाते ही टीम इंडिया बिखर जाएगी। हालांकि जब विराट से उनकी तैयारियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि वो गेंदबाजों का ज्यादा वीडियो देखने पर यकीन नहीं रखते। कोहली ने कहा था कि मैं किसी का भी काफी ज्यादा वीडियो देखने पर भरोसा नहीं करता। मैं सर्वश्रेष्ठ तरीके से तैयारी करता हूँ जितनी मैं कर सकता हूँ। मैं अपनी काबिलियत पर भरोसा करता हूँ और महसूस करता हूँ कि अगर मैं तकनीकी रूप से अच्छा हूँ तो मैं किसी भी गेंदबाज का सामना करने के लिए सक्षम हूँ। पहली बार आईसीसी के किसी टूर्नामेंट में कप्तानी कर रहे विराट कोहली ने कहा था कि उन्हें गेंदबाजी की परवाह नहीं रहती। वो ये नहीं सोचते कि कौन उनके खिलाफ गेंदबाजी करेगा। उनके अनुसार इस पर ज्यादा सोचने से अतिरिक्त दबाव आने का खतरा रहता है।